तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया ही चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरबीआई असिस्टेंट का मॉक नंबर 18 करेंगे, प्रीलिम्स का, ठीक है। और इससे पहले मैं ऑलमोस्ट 16 से 17 वीडियो बना चुका हूँ मॉक का, तो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हो टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेज करने का, तो सबसे पहले यार आप क्या करना ना, इसका जो फ्री वाला मॉक टेस्ट है उसे अटेंड करना। उससे क्या होगा ना यार, कि आपको फेसबुक का कंटेंट के बारे में पता चल जाएगा, और कंटेंट आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप फर्दर इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर परचेस करना हो तो मेरा कोड डाल देना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा वहाँ से। और फ्रेंड्स, अब मैं यह सोच रहा हूँ ना यार, कि इस बार ना कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, और आप देखता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी में जो जिस स्ट्रैटेजी से मैं ये वाला मॉक टेस्ट दूंगा, तो मार्क्स मेरा इम्प्रूव होता है या नहीं होता है, या फिर डिमिनिस होता है, देखते हैं। दो तीन चीज़ें सोचा हूँ मैं, उसको इस पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज कर। ओके, तो मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, और जो मेरे साथ दे रहे हो ऑल द बेस्ट, लास्ट में यार मार्क्स ज़रूर सेव करना। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। ओके, सो एरर से स्टार्ट हुआ है। पहले मैं स्कीम करूंगा सभी पेपर, 1 से 5 एरर। सिक्स से 10 फिलर्स। इलेवन से 20 आरसी। इक्कीस से 25 सीटी। ट्वेंटी सिक्स से 30 हो गया मिसलिनियस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हर मॉम टोल्ड हर टू ऑर्गेनाइज हर बुक्स एंड हर क्लोथ्स नीटली ऑन द सेल्स। ऑन द सेल्स, यहाँ पे सेल्स होगा तो डी में आई थिंक एरर होगा। और यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द क्रीम आर नॉट इन गुड कंडीशन एंड हेंस द मेड हैज गॉन टू द नियर बाई शॉप टू बाई फ्रेश वन। मोस्ट ऑफ द के आगे जो नाउन आता है वो प्लूरल प्लूरल आता है, सॉरी, यहाँ पे क्रीम्स होना चाहिए, तो ए में एरर है। आई एंड सी हैड अ लंच टुगेदर इन देयर बेडरूम, लेटिंग द जनरल कैच अप ऑन हिज स्लिप। तो यहाँ पे एरर, तो आई एंड सी, आई थिंक पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। हाँ, यही तो होता है कॉमेंट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है, तो आई थिंक ए में एरर है यहाँ पे। Although his textile business incurred an immense loss, instead he continued with his mandatory Europe trip this Christmas. तो आई थिंक यहाँ पे कनेक्टर का मुझे एरर लग रहा है, हालांकि जो उसका बिजनेस है वो काफ़ी लॉस में था। इंस्टेंट, इसके बावजूद ही कंटिन्यूड विथ हिज मैंडेटरी यूरोप ट्रिप दिस क्रिसमस। दो कंट्रास्ट हैं, दो कंट्रास्ट को इंस्टेंट के बावजूद, या यहाँ पे इंस्टेंट इंस्टेंट तो लास्ट में लगता है ना यार, आई थिंक सी में एरर मुझे लग रहा है, क्योंकि इंस्टेंट जो है सेंटेंस के लास्ट में लगता है, तो आई थिंक सी के साथ ही चलूँगा। सी वॉज कॉल्ड बैक, कॉल बैक का मतलब होता है दोबारा कॉल करना, कॉल बैक करना। सी वॉज कॉल बैक फ्रॉम द मीटिंग टू टेक एन अर्जेंट फोन कॉल। यार यहाँ पे आई थिंक फ्रेजल वर्ब का एरर लग रहा है, सी वॉज कॉल्ड बैक, आई थिंक यहाँ पे कॉल्ड अवे आना चाहिए, कॉल्ड अवे का मतलब होता है कि बुला लेना, आई थिंक ए में ही एरर लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो अब फिलर्स का क्वेश्चन आ गया। ही एडेड फनी डिटेल्स टू द स्टोरी एज ही एडेड, उसने, पास्ट का हो रहा है तो गो अलॉन्ग तो होगा नहीं, वेंट अलॉन्ग, वेंट आफ्टर, नहीं, वेंट अवे, वेंट अलॉन्ग होगा के साथ। ईच ऑफ दोज न्यू सेल्स अ न्यू कॉपी ऑफ योर ईच ऑफ दोज न्यू सेल्स अ न्यू कॉपी ऑफ योर डी एन ए।
ई चॉप के, ई चॉप के बाद, ई चॉप द के बाद जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। आई थिंक यहाँ पे हैज ही आना चाहिए। ईच ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है और जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। हाँ यही होना चाहिए। सी ग्लांस्ड एट रोहित, और रोहित को देखा। हु हैड रिकॉग्नाइज रीना, हु हैड, तो लेथार्जिकली नहीं ये नहीं आ सकता, ब्लंटली नहीं आ सकता, इंस्टेंटली आ सकता है, लेजिली नहीं, होपफुली नहीं, तो इंस्टेंटली ही सही होगा। द टेम्परेचर इज एवरी टूडे, बिलो एवरेज टूडे। सी कुडंट हर बेबी टू हिम इवन इफ ही वॉज देयर फादर, उसने उसके बेबी को नहीं दिया, अगर उसका पापा भी होता तो नहीं। मतलब यार लाइक तो नहीं आ सकता, लीड मतलब झुकना नहीं हो सकता है, मंडे मतलब कि छोड़ना देना। आई थिंक अवेंडन मेरे को सही लग रहा है यहाँ पे। सी कुडंट अबेंडन हर बेबीज टू हिम इवन इफ ही वॉज देयर फादर, फॉरगिव का मतलब माफ माफ करना होता है। आई थिंक एवेंडेंस विल बी द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक सी गॉट अ ग्लांस ऑफ द हॉर्स इन द ट्रेलर, सी गॉट अ ग्लांस, फ्लैश मतलब एक नज़ारा भी होता है, साइड का मतलब भी नज़ारा ही होता है, ग्लिम्स हो सकता है, ग्लिम्स का मतलब होता है यार एक क्लिप। आई थिंक यही होना चाहिए, लुक नहीं, ग्लिम्स ही होना चाहिए। अभी हम लोग आरसी इसका काफ़ी बड़ा है तो इसको भी स्किप ही करेंगे, डायरेक्ट जो एंटोनिम सिनोनिम का होगा वो किया जाएगा। अरे ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, रेंजी गेज, गेज मतलब था देखना। आई थिंक यहाँ पे स्टडी इंटेंट लुक होना चाहिए। ओके तो सबसे पहले आप सीटीएल इसको स्कीम कर लेते हैं। द एसेंस ऑफ लॉ इज इट्स फोर्स, लॉ इज लॉ बिकॉज इट कैरी द मीन्स टू और फोर्स, द पावर ऑफ द स्टेट इज बिहाइंड इट, द एसेंस ऑफ द जस्टिस इज फेयरनेस एंड एस्टीम ऑफ लॉ थ्रू अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, द बेसिक नाम फ्रॉम विच ऑल अदर रूल्स एंड अथॉरिटीज कॉल्ड ऑन, फ्रॉम ऑल अदर लॉ एज पर द प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दिस लॉ, और मेड एंड बाय द अथॉरिटीज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इंटरप्रेट दैट लॉ एसेंस ऑफ लॉ, लॉ का जो एसेंस होता है वो उसका होता है इम्प्लीमेंट करवाना। लॉ इज लॉ बिकॉज इट कैरीज द मीन्स टू, मीन्स टू एग्जास्परेट नहीं होगा, कोर्स हो सकता है, परसुएट नहीं होता है, आई थिंक परसुएड यू फोर्स ही होना चाहिए, फोर्स, फोर्स मतलब ज़बरदस्ती, और फोर्स ऑबिडियंस, द पावर ऑफ द स्टेट इज बिहाइंड इट, द एसेंस ऑफ जस्टिस इज फेयरनेस, एनी स्टीम ऑफ लॉज, एनी स्टीम ऑफ लॉज फंक्शन, रिटेलिएट मतलब बदला लेना, रिटेलिएट मतलब किसी का शॉर्ट पास्ट फॉर्म हो गया, फंक्शंस हो सकता है थ्रू अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज, द बेसिक टर्म फ्रॉम विच ऑल अदर रूल्स एंड अथॉरिटीज फ्लो इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द डॉक्यूमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नेशंस, नेशंस 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 क्या, नेशंस टेनेट्स, टेनेट्स मतलब आई थिंक होता है डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल्स, ये हो सकता है, एंड्स मतलब होता है किराएदार, लीजेंड्स मतलब होता है मशहूर मतलब अच्छा कहते हैं ना यार पावरफुल आदमी, रिचुअल मतलब होता है अनुष्ठान, गॉस्पेल नहीं, टेनेट्स ही होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडियाज बेसिक नॉर्म, ऑल अदर लॉज आर मेड एज पर प्रोसीजर, तो आर मेड होगा, बनाया गया पैसिव वॉइस, आर मेड, दीज लॉज आर मेड एंड इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेड भाई, इम्प्लीमेंट मतलब पैसिव वॉइस आएगा तो इम्प्लीमेंटेड ही होगा। सो यहाँ पे क्या है, डिसइंटीग्रेशन, तो डिसइंटीग्रेशन का क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड, तो पहला ही मुझे सही लग रहा है, और सब देख लेते हैं, डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन डिसइंटी नहीं पहले ही सही। ओके प्रोपिशिएट होता है, तो यहाँ पे क्या है प्रोपिटेट, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा प्रोपिशिएट,
सेबुरियस होता है, सेबुरियस, सेलुब्रियस, यहाँ पे सोल नहीं है, नहीं सेल्यू नहीं, सेलुब्रियस हो सकता है, सेलुब्रियस नहीं, सेलुब्रस, आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। असासिनेशन तो मतलब असासिन तो मर्डर, हत्या किसी भी पॉलिटिकल या फिर पॉपुलर फिगर का। हाँ तो ये लग रहा है लास्ट वाला ऑप्शन। ओके तो अब चलते हैं पैसेज पे। पैसेज तो बड़ा है तो इसका कीवर्ड नोट कर लेते हैं, 1911। दूसरा है सस्पेक्ट फॉर स्टीलिंग, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट स्टीलिंग, मोनालिसा पेंटिंग स्टोलेन किस ईयर में हुआ था, तो चलो देख लेंगे अभी। रिगार्डेड का मतलब क्या होता है देख लेंगे। विच आर्टिस्ट पेंटेड अ मोनालिसा, पेंटेड आर्टिस्ट मोनालिसा, वाई इज मोनालिसा सच अ फेमस आर्ट पीस, ठीक है। वाह, हाउ इज मोनालिसा ड्रेस इन द पेंटिंग, ड्रेस्ड, मोनालिसा कहाँ से सिचुएटेड है, ठीक है। रेंजी का मतलब क्या होता है, केस का मतलब तो कर दिया। ओके अब पढ़ता हूँ। 5 सेंचुरी लगभग 500 साल बाद लियोनार्डो विंस पेंटेड द मोनालिसा। अच्छा कौन पेंट किया था, लियोनार्डो डा विंसी। तो पहला आंसर मिल गया मुझे, ये तो था यार कहीं पे, हाँ इसने पेंट किया था तो लियोनार्डो डा विंसी। ओके कब पेंट किया था, पोर्ट विद द लॉर्वे म्यूजियम, ये भी मिल गया। कहाँ पे है, लॉर्वे म्यूजियम पे। आ गया यार सिचुएटेड, तो लॉर्वे म्यूजियम में सिचुएटेड है। एंड डॉस थाउजेंड ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड, येट व्हेन व्यूअर्स मैनेज टू सी द आर्ट वर्क अप क्लोज दे आर लाइकली टू बैफल्ड बाय दिस मोस्ट सबड्यूड पोर्ट्रेट ऑफ एन ऑर्डिनरी वूमेन। सी दिस इज मॉडेस्ट इन द ट्रांसपेरेंट वेल ड्रेस्ड, ड्रेस्ड कीवर्ड नोट किया था कहीं, ड्रेस्ड, ड्रेस्ड। ओके इट इज मॉडेस्ट इन ट्रांसपेरेंट वेल, ट्रांसपेरेंट वेल ठीक है। डार्क रोब्स, वेयर इन डार्क रोब, ये भी ठीक है। एंड नो वेयरिंग, यहाँ पे दिया है वेयर किया तो ऑल एक्सेप्ट थ्री। बट वी यस मच हैज़ बीन सेड अबाउट हर स्माइल एंड गेज, बट वी यस स्टिल माइट वंडर वॉट वॉल द फर्स्ट इज अबाउट, ये क्या मसला है। एलॉन्ग विथ द मिस्ट्रीज ऑफ द साइट्रस आइडेंटिटी एंड हर मिस्ट्रियस लुक, द रीजन फॉर द वर्क्स पॉपुलरिटी इज वन ऑफ इट्स मेनी स्पेशलिटी। ऑल द मेनी थ्योरीज हैव अटेम्प्टेड टू पिन पॉइंट वन रीजन फॉर द आर्ट पीस आइडेंटिटी, द मोस्ट कंपेलिंग एंड आर्गुमेंट इज दैट देर इज नो वन एक्सप्लेनेशन। द मोनालिसास फेम इज द रिजल्ट ऑफ मेनी चांस सरकमस्टांस संबाइन विद द पेंटिंग इन एन इंटरफील्ड, देर इज नो डाउट दैट द मोनालिसा इज वेरी गुड पेंटिंग, इट वॉज हाईली रिगार्डेड इवन एज हाईली रिगार्डेड। तो ये कीवर्ड आई थिंक नोट किया था, रिगार्डेड रिगार्डेड रिगार्डेड। ओके यार रिगार्डेड का मतलब क्या हो सकता है, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर नहीं, टुक समथिंग इन टू अकाउंट नहीं, कंसिडर और थॉट इन स्पाइस नहीं, द एक्शन और स्टेट ऑफ प्लेइंग नो अटेंशन टू समथिंग, एक्शन और स्टेट ऑफ प्लेइंग नो अटेंशन नहीं, रिफ्यूज टू, आई थिंक कंसिडर्ड होना चाहिए। एंड हिज कंटेम्प्रेरी कॉपी द नॉन दैन नोवेल थ्री पॉटर, मेनी सोर्स हाउ एवर पॉइंट आउट दैट द एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ द मोनालिसा वॉज इनफ बाई इट्स टू मेक द पेंटिंग अ सेलिब्रिटी, देर आर मेनी गुड पेंटिंग एक्टर ने इवेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल राइटर ऑफ द 19th सेंचुरी अराउज द मोनालिसा बट थेफ्ट ऑफ द पेंटिंग इन 1911, यानी 1911 में चोरी हुआ था, ये भी कीवर्ड देखा था। हाँ 1911 में चोरी हुआ था। एंड इंसुइंग मीडिया, एंड इंसुइंग मीडिया फ्रेंजी, इंसुइंग फ्रेंडी बॉट इट वर्ल्ड वाइड अटेंशन, पैब्लो पिकासो वॉज इवन अरेस्टेड एज अ सस्पेक्ट। अच्छा सस्पेक्ट भी तो था, सस्पेक्ट हाँ ये रहा सस्पेक्ट, पैब्लो पिकासो। 2 years later the painting was found in Italy after the art dealer in Florence alerted the local authorities that a man had contacted him about selling it. The man was Vincenzo Perugia.
ये भी मिल गया आंसर, हु स्टोल द तो पेरगुआ। बहुत इजी है यार, पढ़ते ही मिल जा रहा है। द मैन वॉज ना एन इटेलियन इंग्लैंड टू फ्रांस लोवरे पेंटिंग मोनालिसा, मतलब की पहली लंकड़ा है। मोनालिसा वॉज सटनली मोर फेमस अप द हेस्ट बट वर्ल्ड वॉर फॉर सुन कंज्यूम मच ऑफ द वर्ल्ड अटेंशन। सम स्कॉलर आर्गू दैट मार्शल पोस्ट का रिप्रोडक्शन 1919 ब्रॉड अटेंशन बैट द मोनालिसा एंड स्टार्टेड अ ट्रेंड दैट वुड मेक द पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज इन द वर्ल्ड। 1870। अच्छा इसका क्या है, वाई इज मोनासा मोनालिसा सच अ फेमस आर्ट पीस। आई थिंक यहाँ पे मैं देखा था क्यों था। हाँ देर इज नो डाउट दैट द मोनालिसा वेरी गुड पेंटिंग, इट वॉज वेरी हाई रिगार्डिंग रिमेन्स नो डाउट। द रीजन फॉर द वर्क्स पोलैरिटीज वन ऑफ इट्स मेनी स्पेसिटी ऑल द मेनी थ्योरीज हैव अटेम्प्टेड टू पिनपॉइंट वन रीजन फॉर द आर्ट पीस सेलिब्रिटी द मोस्ट कंपेलिंग आर्गुमेंट इज सीन दैट देयर इज नो वन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे दिया हुआ है देयर इज नो वन एक्सप्लेनेशन, हो सकता है ये भी नहीं हो आंसर। फ्रेंजी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज फ्रेंजी मीन्स, फ्रेंजी कहाँ था कीवर्ड, यहाँ था फ्रेंजी। द राइटर ऑफ द 19th सेंचुरी अराउज इंटरेस्ट इन द मोनालिसा बट द थेफ्ट ऑफ द पेंटिंग इन 1911 एंड द एंसुइंग मीडिया इशूइंग मीडिया फ्रेंजी ब्रॉट इट वर्ल्ड वाइड अटेंशन। फ्रेंजी स्टेट ऑफ पीटर वन सेवन वाइल्ड बिहेवियर। आई थिंक पहला होगा क्या, फ्रेंजी हो सकता है कुछ। ओके सो ये हो गया है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वांट पे। अठहत्तर 117 234 अठहत्तर अठहत्तर का लगभग इंटू तो हो रहा है डी, ये लास्ट में ज़्यादा नंबर चला गया, इसका लगभग डेढ़ गुना हो सकता है। डेढ़ गुना का करते हैं तो डेढ़ गुना हो जाएगा 3/2, 2 3 6 2 9 18 3 9 27 17 11 17 हो रहा है लगभग, ये डेढ़ गुना यानी कि 3/2 है। ये कितना हो रहा है, ये लगभग 2 गुना हो रहा है, 3/2 हो रहा है। फिर ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है लगभग, ये हो जा रहा है अगर इसका 2 गुना करते हैं, 2.5 गुना करते हैं इसका, 2.5 गुना कितना होगा इसका, 2 गुना अगर करते हैं तो 2 4 6 4 2.5 गुना इसका हो जाएगा, 2 1 2 2 2 2 14 8 7 15 1 1। हाँ तो ये 2.5 गुना हो रहा है, 2.5 गुना हो रहा है, ये होपफुली 2.5 गुना तो 3.5 गुना होगा ये, फिर 3.5 गुना होगा, 4.5 गुना होना चाहिए, 4.5 सरपंच भी जो है, सरपंच भी तो वैसे लगभग 2 3 4 5 7 6142.5 आ रहा है आई थिंक, 165 162 यानी कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 3 का। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 162 यानी कि 7 8 9 9 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 9 और 7 9 और 7 कितना होता है यार, 16। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी कितना हुआ है, यहाँ भी माइनस हुआ है 9 7, यहाँ भी 16 का हो रहा है क्या। सात 9 9 16 क्या डिफरेंस है इसमें, 165 यार इसमें स्ट्रेटजी में लगाने वाला था, ये देखता हूँ। हाँ 1 2 3 4 5 1 से 5 तक है मिसिंग,
6 से 10 है टी आई, ठीक है, 11 से 15 है सिंप्लीफिकेशन। ग्यारह से 18 है, सॉरी 17 है, और 19 से 23, 19 से 23 है टी आई। चौबीस से 28, 24 से 28 हो गया वो इनइक्वालिटीज। सबसे पहले करेंगे इसको 9 चौके 36, 9 चौके 36 होता है और 4 के 36 यानी कि प्लस छः और 17 के 21 11, 17 33 33 और 7 प्लस 33 प्लस 7, तो 6 × 12 6 × 6 6 × 12 126, 126 ये कितना आ रहा है, 4 × 3 12 6 × 12 13 × 1 32 और 6 × 7 28। एक्स बड़ा भी है और छोटा भी है तो नो रिलेशन आएगा। 3 3 यहाँ से 3 × 3 3 × 12 40, 8 × 5 40, 8 × 5 40 यानी कि +8 −5 यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3 × 6 20 × 40 8 × 5 40 यानी कि −8 −5 −8 −5 और 3 × 8 = 48 5 × 6 = 30 −8 −5 ये जो है इससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा है, ये जो इससे छोटा है, नो रिलेशन इसका भी आएगा। 39 39 13 × 3 = 39 × 4 4 × 3 = 12 13 और 12 +13 + 12 क्या आएगा, 15 × 3 = 45 15 × 9 = 45 यानी कि −9 −5 13 × 3 = 39 12 × 3 = 36 जब भी आएगा यार ऊपर वाला एक्स बड़ा ही आएगा। 17 × 2 = 34 2 × 4 = 17 में से 4 गए यानी कि +17 − 4 12 × 7 = 84 12 × 7 = 84 यानी कि 4 × 3 = 12 × 7 = 21 4 हो जाएगा 21 4, तो −21 − 4 17 × 7 = 119 7 × 28 और 42 2 × 8 ये जो इससे बड़ा है, ये जो इससे बड़ा है, ये जो है ये छोटा होगा, और रिलेशन 6 × 24 +6 + 4 15 × 3 = 45 15 × 3 = 45 और 15 × 3 = 3 3 × 6 = 18 3 × 12 मतलब ऐसे बड़ा भी छोटा ही रिलेशन ही नहीं आएगा। ये हो गया और ये क्या है, कहाँ गया यार, 1 से 5 हो गया डी आई, 6 से 10 11 से 15 सिंप्लीफिकेशन 11 ऐसा 7 हो गया, 7 ऊपर चला गया 35 चौके 140 40 2 × 5 = 10 10 और 350 तो 350 हो गया, ये 5 6 यानी कि 7 × 35 = 36 7 × 36 −5 × 5 = 8 5/8 8 से 8 कट गया 5/9 5/9 9 +9 9 10 यानी यहाँ 3 आ जाए, यहाँ पे आएगा 10 3 × 9 3 × 9 3 × 9 4 × 40
मकान था 18 7, 18 7 25 बाई 9, 35x-36 -5/9 +9/40, बच्चों को 36। बहुत बड़ा जा रहा है यार, ये बहुत गंदा जा रहा है, इसको नहीं करूँगा। ऐसा करता हूँ, 3 5 15, 15x-16/3 -29x-10 11/3, 11 5 55, 55 10 65/11, 65/11 33, यहाँ से निकल के आएगा 11 11 4 5 6 -121 माइनस हो गया 11 3 5 15 18 19 95। तो 5 6 6 9 10 11 11 1 2 3 3 16 176, 6 6 7 4 1 -140 -140 33, 33 2 9 66, 33 2 9 66 हो गया, और 66 2 68, तो 68 नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 33, 33 बढ़ जाएगा, 76 2 8 214, 14 17 35, 35 17, तो 17 कम 70 34, 17 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 होगा 4 5 6, 2 3 36, 36 और इससे होगा -383, -383 अपॉन 25 25×25×10 +12, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, और 38.3 + 12 यानी कि 50.3 हो जाएगा, जब 36 मिल जाएगा ये लगभग पड़ेगा 9.7। बहुत पड़ेगा, इसको स्किप करूँगा, इसको कर लूँगा, हो तो जाएगा लगभग, ये जाएगा 9 से 93 90 बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा × 16 169, यानी कि 3 और 13 39, 13 39, 39 +26 यानी कि 26 2 9 52 और 4 4 24 24 आएगा, 24 का स्क्वायर होता है 4 8 5 7 6, 5 7 6 = 2, 9 6 15 7 3 10, तो 615, 385 रहेगा 10 का, 8 6 45, 8 3 24, 24 8 32, 32 48, 40 60 गया 32, 32 में ना 16, 64 64, 63 में से 3 गया 62, और क्या था 19 23 दिया ही, 19 देखते हैं कौन सा, अच्छा ये 19 23, इसको करते हैं पहले। वॉट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बाई इकोनॉमिक्स बायोलॉजी एंड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स 15 30 30 20 50 61 65 होता है, 6 5 30 0 3 6 4 36 में 19 19, और ये नहीं होगा यार, 65% ऑफ 6000 यानी कि 0 0 कट गया, 56 3 4 36 36 37 3 3 3 13 1300, 75% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी इकोनॉमिक्स अपे इन द एग्जाम, पे इन द एग्जाम 75% इकोनॉमिक्स, तो 15 6000 का 15% ठीक है, और इसका 75 यानी कि 3:4, और 80% ऑफ द स्टूडेंट अपेयर इन द, 80% 80% अगर अपेयर हुए तो क्या बोला है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट अपेयर इन द एग्जाम यानी कि 1/5, तो ये लगभग चला जाएगा 0 0 कट गया, 5 3 15, 5 3 15 और 4 से कटेगा 15 15 45, 45 3 135। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग जियोग्राफी एंड साइंस टुगेदर, जियोग्राफी एंड साइंस, जियोग्राफी 30% और साइंस हो गया 55, 56 3 0 56 30 यानी 33, 3300, और इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी
इकोनॉमिक्स 15 और बायोलॉजी 20%, 20 प्लस 15 35%, तो 17 17 21 2100 1200। इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द बायोलॉजी स्टडी इज 2:3, ठीक है स्टडी में कितना 2:3, 15 यानी 15 छक्के 90। बायोलॉजी कितना है 20% है, 20% 20 छक्के 120 यानी 1200, 1200 में से 2 3 यानी 3 5 24, 24 दूना 48, 3 72। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल बायोलॉजी, तो डिफरेंस कितना होगा 240 का डिफरेंस, 240 हाँ 240। 20% ऑफ स्टूडेंट इज स्टडिंग हिस्ट्री, स्टडिंग हिस्ट्री हिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं 10% पर 10% 600 हो गया, 600 का 20% हो गया 120। और 40% स्टडिंग साइंस, साइंस कितना 25%, 25% कितना होता है 1/4, फिर कम 4 5 6 20 यानी कि 1500, 1500 का कितना 15 4 60 यानी 600। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट यानी कि ये हो गया 480 और ये हो गया 900, 9 4 हो गया 1380। क्या था और ये वाला था क्या, हाँ ये करते हैं, ये क्या है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट, पहले 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 क्या करें अपने डीआई करते हैं, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट लॉस फॉर ऑल द गिवन कंपनीज टुगेदर इन 2019, कंडीशन क्या है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर प्रॉफिट, ठीक है पांच मतलब टोटल लेना है ना, तो टोटल इनकम कितना हो गया 35 प्लस 50 85 85 और 40 125 125 और 40 125 और 40 हो गया 125 और चलो 165 165 और 50 215 इनकम, एक्सपेंडिचर देखते हैं, एक्सपेंडिचर हो गया 45 प्लस 40 85 85 प्लस 45 5 हो गए 85 प्लस 45, अच्छा 130 ऐसे हो गए 130 160 160 और 45 205, तो ओवरऑल टोटल इनकम इतना है इतना यानी कि 10 हो गया, 10 हो गया कितने पे 205 पे, 10 हो गया 205 पे यानी कि लगभग 5 × 5 = 20 5 × 10 241, 5 × 5 = 20 लगभग 5% का यहाँ पे हो रहा है इसको, 5% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑल द कंपनीज टुगेदर, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम 215 5 × 20 5 × 15 43, द कंपनीज आर एंड एस टुगेदर इन 2019 हैड अ परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, आर एंड एस, आर एंड एस, आर एंड एस का प्रॉफिट परसेंट यानी कि आर का इनकम 40 40 80 हो गया और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 45 और 30 यानी 75 40 75 यानी 5 5 5 5 2 50 25 5 5 30, तो क्या बोल रहा है 1/15 पे 6.66 का प्रॉफिट हो रहा है इसको। इफ द इनकम ऑफ कंपनी एस इन 20% मोर, तो स्किप करते हैं यार पहले घर चलते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सलेंट हाइट 5 सेंटीमीटर, इसका सलेंट हाइट दिया है तो इसका हाइट निकल जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर है इसका 4 4 16 50 25 9 निकल जाएगा, एस का वैल्यू 9 3 आ जाएगा, ओके एस का वैल्यू 3 आ जाएगा। और क्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर कितना है 4 × 4 एच कितना है 16 है, तो जो 16 16 256 256 पाई कितना आएगा इसका 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच आर इंटू 4 × 4 × 3, तो 3 से 3 करके अच्छा चलो 16 16 पाई 16 पाई अगर इसमें माइनस कर दें 240 पाई आना चाहिए, 240 पाई हाँ यहाँ है। अब बिल्डर एम्प्लॉय 40 वर्कर टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट 80 दिन में, ठीक है 30 दिन काम हुआ लेकिन 30% हुआ, कितना कितना काम हुआ 30 दिन काम हुआ और 40 वर्कर हैं 3/10 ही काम हुआ है, करना कितना है टोटल तो 7/10 और कितना और कितना 40 + x इंटू कितना दिन बचा है 40 कितना 50 दिन बचा है, तो 0 से ये कट गया 3 10 में 30
जीरो से जीरो ये कट गया, 5 8 40, 7 8 56, 40 में जाएगा 16। जिंक कॉपर रेशियो है इतना में, यानी 7 5 12, 12 12 7 84, 12 5 60। हाउ मच जिंक शुड बी एडेड, जिंक कितना ऐड करें, 84 प्लस एक्स अपॉन 60 इजकल टू 2/8, 120, 120 में से 84 जाएगा तो 36। ट्रेन का लेंथ 150 मीटर, 54 किलोमीटर जाता है, 54 को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 38 24, 5 15, 15 मीटर पर सेकंड। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 30 सेकंड में क्रॉस करता है, और इसको क्रॉस करेगा 10 15 30 30 हो गया। टू स्टेशन पी एन क्यू, 5 रुकूंगा, 10 90 किलोमीटर, यानी कि 90 किलोमीटर नहीं, लगभग 45 किलोमीटर चल दिया, चल दिया, बचा कितना, 480, 480 बचा, और उसको ये लोग कंप्लीट करते हैं 120 किलोमीटर में। ओके 120 किलोमीटर ये चला, और 480 में से 120 गया, 8 6, यानी 360, 1:3, यानी कि इसका अगर 3 3 90 है तो इसका 30 किलोमीटर होना चाहिए। द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 8 7 15 15 30 इज इक्वल टू द हाफ द स्क्वायर ऑफ द एरिया, 60 60 यानी कि 24 60 इसका 60 हो जाएगा, वो 60 अगर इसका होगा 60 यानी कि 4 5 4 5 यानी 15 एवरेज इतना है, इतना रहेगा 77, एवरेज 5 का 66.4 है, 2 का कितना है, 2 का लगभग 0.6 कम है, और ऐसा कितना कम है, तो यहाँ चल पूछ गए 12 1.2, ऐसा कितना कम है, तो कम है 67, यानी कि 67 और 75, तो लगभग ये जाएगा 8 1 18.4, तो लगभग कितना है यार, इसमें माइनस करेंगे तो 48। चार क्वेश्चन देखते थे, देख सकते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5, 1 से 5 मिसलिनियस है, से 10 पजल, कौन सा पजल है, कौन सा पजल है, ये सर्कल, सर्कल का पजल है, चाइनीज कोडिंग 11 12 13 14 15, कहाँ तक है, 14 हो गया, 11 से 14 है चाइनीज, और फिर पजल कहाँ से स्टार्ट है, 15 से, 1 2 3 4, तो 15 से 19 पजल, 15 से 19 पजल, बीस से बाईस हो गया, 20 से 22 वो डिस्टेंस, ये पजल आ गया, पजल कौन सा है, ये 23 से 27 पजल, अट्ठाईस से बत्तीस तक पजल है, ओके तो पहले ये कर लेते हैं, सम चेयर्स आर विंडो, ऑल विंडोज आर बेंचेस, सम बेंचेस आर ट्री, सम चेयर्स आर बेंच, ठीक है, सम ट्रीज आर बेंचेस, सम ठीक है दोनों, ऑल वर्ड आर ग्राफ, सम ग्राफ इज लाइन, सम लाइन आर फ्रंट, सम वर्ड आर नॉट फ्रंट, कह नहीं सकते, ऑल वर्ड आर फ्रंट, ये भी गलत है, सम वर्ड आर नॉट, ये नाइदर होगा इसका, ओनली ऑर्डर इज रैंक, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर रैंक है, तो ये आएगा, सम ऑर्डर ह्यूमन, ऑल ह्यूमन आर ऑफिसर, सम रैंक और ऑफिसर नहीं, सम ऑर्डर ऑफिसर, ठीक है, दूसरा, अब क्या करें, चाइनीज कोडिंग करते हैं, कहाँ से था चाइनीज कोडिंग, 11 से 14, बुक इंक्लूड इमोशन, मैसेज आर वर्ड, मैसेज आर
वर्ड वर्ड डिस्क्राइब इमोशन, वर्ड डिस्क्राइब इमोशंस, बुक फॉलो मैसेज, बुक फॉलो मैसेज, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ, जी एच आई जे के एल, जी एच आई जे के एल, आई जे सी डी, आई जे यू डी, आई जे सी डी एम एम, के एल ओ पी ई एफ, के एल ओ पी ई एफ, ओ पी हो जाएगा इसका हो जाएगा एम एम वर्षा हो जाएगा आई जे एल का हो जाएगा ये जी एच ये आपका हो जाएगा बी के बुक ये का होगा ए बी मोशन का होगा सी डी कुछ कह रहा है मैसेज का कोड क्या होगा मैसेज का के एल होगा एम एन का क्या होगा एम एन का रिजन एम एन का डिस्क्राइब वर्ड फॉलो बुक वर्ड कहाँ है यार वर्ड आई जे फॉलो कहाँ है ई पी ई एफ आई जे ई पी ओ पी ई एफ ठीक है सी डी ए बी के एल सी डी कहाँ है सी डी है इमोशन ए डी इमोशन ए बी कहाँ है सी इमोशन ए इंक्लूड इमोशन इंक्लूड मैसेज पैसा नहीं करेंगे और क्या था 15-19 पजल था अभी ये था पजल नहीं करेंगे अभी डिसप्लेस करेंगे इफ द लेटर ऑफ द एबव सीरीज आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर व्हिच लेटर विल बी द सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द राइट एंड सिक्स्थ टू द लेफ्ट यानी कि 12 राइट एंड 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 12 13 3 double D 3 double D Which of the following is third letter to the left of the nine letter from the left end? Third letter to the left of the ninth letter from the left end. Left से नहीं छः. 1 2 3 4 5 6 ये अब क्या बचा? ये क्या है? Box puzzle है. ये क्या है? ये भी यही है. सबसे पहले ये करते हैं. ये केमिस्ट्री है 1 by 1 है ठीक है एटलीस्ट यानी 6 बुक है 6 5 4 3 2 1 एटलीस्ट 3 बुक्स आर केप्ट बिलो एफ एटलीस्ट 3 1 2 3 तो एटलीस्ट मिनिमम पॉसिबिलिटी लेते हैं और एक यहाँ पॉसिबिलिटी लेते हैं 1 2 3 4 ठीक है विच कंटेन आइदर बायोलॉजी और हिस्ट्री यहीं पे देखते हैं या तो ये बायो कंटेन किया है हिस्ट्री किया है ठीक है द बॉक्स दैट कंटेन बायोलॉजी बुक एस्केप्ड 4 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स दैट कंटेन केमिस्ट्री ओके जो केमिस्ट्री कंटेन किया इसमें 4 बिलो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा बायो द बॉक्स दैट एस्केप्ड एट द बॉटम कंटेन आइदर फिजिक्स और पॉलिटी फिजिक्स या पॉलिटिक्स एटलीस्ट 4 बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स ई विच कंटेन आइदर इंग्लिश और पॉलिटी कम से कम 4 बॉक्सेस ऊपर होने चाहिए 1 2 3 4
तो एक काम करते हैं, क्या बोला है, एटलीस्ट फॉर तो ई को यहाँ ले देते, देखते हैं ई को अगर यहाँ लेते हैं तो पॉलिटी आ जाएगा यहाँ पे, और देखते हैं टू बॉक्सेस आके हम डी एंड डी, वो यहाँ पे डी लेते हैं, बॉक्स ए डज नॉट कंटेन द केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो है ना तो केमिस्ट्री कंटेंट करता है, केमिस्ट्री यहाँ आएगा, केमिस्ट्री यहाँ 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे पायो आएगा, ए यहाँ पे नहीं आएगा। बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स दैट कंटेन इंग्लिश, इंग्लिश के नीचे सी है, ये हो गया। अब जो है बायो और केमिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री एक दो तीन चार, तो एफ यहाँ आ सकता है और ए यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो इंग्लिश के नीचे सी, इंग्लिश 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 सी, इंग्लिश यहाँ आ सकता है, इंग्लिश यहाँ आ सकता है, तो क्या है बायो है या तो हिस्ट्री की, तो इसका हिस्ट्री हो जाएगा, और इंग्लिश अगर यहाँ करते हैं तो सी यहाँ आ जाएगा, इंग्लिश यहाँ करते हैं सी यहाँ आ जाएगा, केमिस्ट्री वहाँ हो गया, ए यहाँ नहीं आएगा, और कहाँ कुछ भी है क्या, बीइंग बॉक्स इज कीप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स दैट कंटेन इंग्लिश, बॉक्स के डज नॉट कंटेन द केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है 1 2 3 4 5 6, और डी का कुछ दिया है या नहीं दिया है, ये तो नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, इसके साथ जाते हैं तो टॉप की त्रिकोण डी है, बॉक्स कंटेन विच सब्जेक्ट, ए यहाँ नहीं आएगा, ए यहाँ आ सकता है क्या, ए अगर यहाँ आता है तो ए बायो नहीं, अब कंफर्म हो गया, ए यहीं आएगा, इंग्लिश और सी यहीं आएगा, कंफर्म हो गया, ए जो है इंग्लिश कंटेन करता है, ए जो है इंग्लिश कंटेन करता है, इंग्लिश वेर इज इंग्लिश, इंग्लिश, और टॉप पे कौन है, टॉप पे कौन है, कौन बचा था, कौन बचा था टॉप पे, बी बचा था, बी होगा, हिस्ट्री अथॉरिटी, हिस्ट्री 1 2 3, केमिस्ट्री बुक नीचे, केमिस्ट्री कहाँ गया, हिस्ट्री यानी एफ, ये क्या है, सेंसर वगैरह कुछ नहीं करेंगे अभी, ये क्या है, ये भी नहीं करेंगे, ये क्या है, ये करते हैं ये फ्रेंड्स, इतने देर सोने सोने ऑप्शन सेंटर बट नॉट सेम हो रहा है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम हो रहा है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, यार सी जी ना मेरे को 15 वाला लग रहा है, तो 15 करते हैं पहले, क्या करते हैं, हाँ ए बी सी डी है, SBI PNB एंड IOB, ठीक है SBI PNB IOB में करता है काम, और सबका अच्छा एम डी, यार ये तो थोड़ा सा हार्ड आ गया लेकिन बढ़िया है, क्वेश्चन में क्वालिटी है, एम डी जीएम, डीजीएम, एजीएम, डीएम, एएम, पीओ क्लर्क, एएम पीओ क्लर्क, वेरिएबल ही वेरिएबल्स है इसमें तो, और कौन है SBI है, PNB है, IOB, डी वर्क नाइदर एट SBI, डी यहाँ भी काम नहीं करता, नाइदर वर्क विथ SBI एंड द बैंक एज एफ, डी जो है एफ के साथ काम नहीं करता, सी एंड एस एंड डी वर्क नाइदर एट यूज नॉर वर्क इन द बैंक एज एफ वर्क एट, ठीक है हाँ सी एंड एफ वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, सी एफ सेम डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, एंड सी डेविएशन इज नॉट फोर्थ फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4, तो सी यहाँ पे नहीं आता है, बी इज जी एम, बी जो है जी एम है और कहाँ काम करता है PNB में, ही इज द ओनली अदर पर्सन हु वर्क इन PNB, तो ई भी यहाँ पे काम करता है, ही इज द ओनली अदर पर्सन हु वर्क इन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग आएंगे, ओनली टू, ठीक है, नाइदर द डी जी एम नॉर द डी एम वर्क इन IOB, नाइदर द डी जी एम नाइदर डी एम यहाँ काम नहीं करते हैं, इन दोनों में आप तीन तीन लाना पड़ेगा।
इज हाईएस्ट अमंग देम, ए जो है सबसे हाईएस्ट है ठीक है, बट डज नॉट वर्क इन आईओबी, ए यहाँ भी काम नहीं करता है, डेफिनेटली ए यहाँ काम करेगा। नाइदर जी नॉर एच होल्ड फोर्थ रैंक फ्रॉम द टॉप, नाइदर जी नॉर एच, वो एक दो तीन चार, तो ना तो जी आएगा ना यहाँ आएगा ठीक है। एफ इज एन ए एम, एफ जो है ए एम है, एंड जी इज नॉट लीस्ट रैंक इन डेजिग्नेशन, जी यहाँ नहीं आएगा। ओके जी यहाँ नहीं आएगा, जी यहाँ नहीं आएगा, तो जी यहाँ आ सकता है और जी यहाँ आ सकता है ठीक है। इसमें तीन अभी लाना है, डी यहाँ पे नहीं आएगा तो डी यहीं पे आएगा, डी यहीं पे आएगा, और डी और एफ का सेम नहीं है तो एफ यहीं पे आएगा। और क्या बच गया, एक बच गया डीजीएम डीएम, डीजीएम डीएम, डीजीएम डीएम यहाँ पे नहीं आएंगे, तो डीजीएम डीएम, डीजीएम डीएम, तो जी आई थिंक जी ये यहाँ नहीं आएगा, जी यहाँ नहीं, डीजीएम डीजीएम डीएम, यानी कि यहाँ पे डी, ये दोनों यहाँ पे डी नहीं आएगा, डी आएगा तो यहाँ आएगा, और डी कहाँ आ सकता है देखते हैं। क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं, विच वन द फॉलोइंग वर्क इन आईओबी, आईओबी कौन सा कौन वर्क करता है, आईओबी में ईसीबी नहीं, ईसीबी नहीं कर सकता है, सी और एफ, तो यहाँ पे सी आएगा, कन्फर्म हो गया। बचे बचे कितने, ए ए बी सी डी ई एफ जी और एच, डी जी एच ये आएगा, कन्फर्म हो गया। एवन का फॉलोइंग हुई से कलर, ओके तो डी जी एच, डी जी डी जी एम डी एम, डी जी एम डी एम, तो जी यहाँ भी आएगा, तो जी अगर यहाँ नहीं आएगा तो जी यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, और कहाँ था, डी जी एम डी एम, डी जी एम डी एम, तो डी यहीं पे आएगा, सॉरी डी यहाँ पे आएगा, बचा क्या, सी अगर यहाँ नहीं आएगा तो सी यहाँ आएगा, कन्फर्म हो गया। तो इवन द फॉलोइंग क्लर्क, एच जो है क्लर्क है, और फ्रॉम एस बी आई, एस बी एम ई एफ सी, एम डी एम डी ए एम, एम डी ए एम ए एफ सी, एम डी एम डी जी एम, एम डी एम डी जी एम, तो ये होगा। बी का जी एम, बी का जी एम सही है, डी का डी जी एम, डी का डी जी एम ये सही नहीं है, एफ का डी एम, एच का पी ओ नहीं, जी का क्लर्क, वहाँ पे जी का क्लर्क, बी का जी एम, इन्फॉर्मेशन जी आई ओ बी पी ए, जी जी का जो आई ओ बी है और पी ओ है सही है, जी आई ओ बी पी ओ पहला सही लग रहा है, जी आई ओ बी पी ओ ये सही लग रहा है, डी पी एन बी नहीं, डी पहला ही सही है, टाइम टाइम कितना बचा है, पजल नहीं हो पाएगा, क्या करें क्या करें, ये करते हैं फसल तो पूछ जाना चाहिए, नहीं होगा। अ मैन स्टार्ट वॉकिंग, ही इज गोइंग टू 20 मीटर टूवर्ड द ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस, 20 मीटर ईस्ट फ्रॉम हाउस ठीक है, एंड टर्न्स टू लेफ्ट एंड कवर 10 मीटर अगेन, ही टर्न्स लेफ्ट एंड ही टर्न्स लेफ्ट एंड कवर 45, then he turns 10 meter left and he is reaching the park, but he remember his pet was playing 20 meter south direction, 20 meter south direction, of his home, 20 meter south direction from his home, home to iska kya tha, बी इज दस
20 10 30 30 10 40 40 और 85 85 और 21 05। हाउस टू द पार्क, ये पार्क है तो 20 अगर माइनस करते हैं तो 85 होता है। व्हाट इज द एक्सेंट ऑफ द पोएट बाय द मैन हु इज स्टैंडिंग इन द पार्क। यहाँ यहाँ इट यहाँ है तो लगभग इसका साउथ साउथ ईस्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट ये वाला छोड़ा हूँ, ये भी छोड़ा हूँ यार, 1.5 मिनट में तो नहीं होने वाला ये पजल। सबमिट करता हूँ टेस्ट। आप क्वेश्चन देख लो यार, ये क्वेश्चन है, ये है, ये है, ये करना जरूर आप, ये भी देख लो आप और ये वाला भी देख लो जो मैं स्किप किया हूँ। मैं ख़त्म करता हूँ, सबमिट करता हूँ टेस्ट को। दो पजल नहीं हो पाया आज का। जो क्वालिटी था ना यार पजल का, काफ़ी बढ़िया था, इसलिए इतना टाइम ले लिया। अभी मैं इसको एनालिसिस करूंगा दोनों पजल को। आप अभी अभी सबमिट करता हूँ टेस्ट को फॉर द टाइम बीइंग। क्या बात है यार, मतलब इतना कम अटेम्प्ट किया फिर भी जो मेरी परसेंटाइल है वो 98.65 है। 98.75 एक्यूरेसी है, 80 अटेम्प्ट किया, 78.75 मार्क्स आया, काफ़ी सही है यार। सॉल्यूशन देखते हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार कि मेरा इतना आएगा, मतलब ओह माय गॉड, तभी सही है इंग्लिश में, इतना बढ़िया हो गया ना। कोई 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 गेस वर्क भी किया था मैं ये। फ्रेंड्स आप बताना कि आपको इतना मार्क्स आ रहा है यार। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि एकदम बेकार मार्क्स आता है और कभी कभी तो एकदम अच्छा आ जाता है, एक्सट्रीम लेवल होता है मेरे साथ। ओके जितना अटेम्प्ट किया सभी सही है, ये भी सही है यार। अब ये क्वेश्चन देख लो फ्रेंड जो मैं अटेंड नहीं कर पाया, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो आप, ये देख लो और ये देख लो, ये देख लो। आप पॉज करके करना ठीक है, अगर आप मेरे साथ करते हो तो। रिज्यूम देखते हैं, ओके रिज्यूम में क्वेश्चन गलत हो गया, देखते हैं क्या गलत हुआ है। तो ये सिलॉक्स गलत हुआ है तो देखते हैं। ऑल वर्ड्स आर ग्राफ, ऑल वर्ड्स आर ग्राफ, सम ग्राफ इज लाइन, सम ग्राफ इज लाइन, सम लाइन आर फंट, सम लाइन आर फंट, सम वर्ड आर नॉट फंट, सम वर्ड कुछ वर्ड जो है वो फंट नहीं है, सम वर्ड आर नॉट फंट। यहाँ पे यार साफ साफ दिया है कि हाँ नहीं है, आई थिंक गलत होना चाहिए। ऑल वर्ड आर फंट, ऑल वर्ड आर फंट, ये भी गलत है। तो यार इसका आइदर होगा क्या आंसर, तो आइदर होगा आंसर, आइदर केस होता है सम और ऑल का। सम वर्ड आर नॉट, हाँ सम और आल का, हाँ ठीक है फिर, ठीक है ठीक है, उस टाइम पता नहीं क्या सोच रहा था मैं, सही है सही। तो जो क्वेश्चन मैंने नहीं किया था आप देख लो, उस टाइम भी दिखाया था मैं आपको, और ये भी देख लो आप। तो फ्रेंड्स ये मेरा एनालिसिस था, आप अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करना फॉर दिस पर्टिकुलर मॉक, ठीक है। अगर आप मेरे साथ दिए हो तो आप भी एनालिसिस कर लिए होगे मेरे साथ, ठीक है। तो आप बताना यार कि कैसा रहा आपका, ठीक है। और अब जो है मैं मॉक को एंड करता हूँ, इस वीडियो को भी एंड करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलर, मतलब रेगुलर वहाँ पे मैं करेंट अफेयर का एमसीक्यूज़ करवाता रहता हूँ, जिस रेगुलर जैसे कि आज हो गया ना तो मैं सुबह करंट अफेयर का एमसीक्यूज़ करवा दिया। मैं फ्रेंड्स वो चैनल इसलिए बनाया ना क्योंकि वो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब भी मेरे को समय मिलता है ना मैं वहाँ पर जा करके एमसीक्यू क्विज़ अटेंड कर लेता हूँ, जिससे मेरा क्या होता है कि ओवरऑल मेरा करंट अफेयर रिविज़न हो जाता है करंट अफेयर का। तो आप भी इसका फ़ायदा लो यार, आप भी ज्वाइन करो काफ़ी यार। देखो यार अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो ना तो आपको ना बहुत सारे एमसीक्यू क्विज़ मिल जाएंगे करंट अफेयर के, तो लास्ट 1 मंथ का भी आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें करंट अफेयर का। तो आप ज्वाइन करो उसको और इसका बेनिफिट लो, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ और आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।